जरूरी नहीं है कि हमेशा हार्ड वर्क करने से ही मार्क्स आते हैं कई बार हार्ड वर्क के साथ साथ अगर आप स्मार्ट वर्क को भी तो आपके अच्छा तो तो मैं तो मैं आप तो आप अपने यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में मैं आपको एनसीआर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करवाने आऊँ बिकॉज आपको कि सीबीएसई कहती है कि जो भी बुक अगर आप फॉलो करनी जरूरी है बट एनसीआर के कुछ ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना चाहिए तो इसलिए पर मैं आपको पूरी बुक के पर आपको मार्क करवाने आया एनसीआर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप एनसीआर को सॉल्व कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम और आपके यूटी एग्जाम या फिर आपके जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं उनमें तो ये क्वेश्चन आते जाते हैं साथ में ये क्वेश्चन आपके आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं तो इस करके ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें तो स्टार्ट करेंगे वीडियो चैप्टर नंबर वन देखिए रियल नंबर तो सबसे पहले मैं इसके आपको एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ एग्जाम्पल नंबर वन आपको करना है बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट है देन उसके बाद एक्सरसाइज वन पॉइंट वन वर आपका क्वेश्चन नंबर टू आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको जरूर दिखेंगे तो so, इस क्वेश्चन को आप जरूर करें देन आगे मूव ऑन करेंगे तो थेडम बेस्ड आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है इरेशनल नंबर्स तो रूट टू इज़ इरेशनल नंबर्स ये आपका इंपॉर्टेंट है रूट थ्री इज इरेशनल नंबर्स ये आपका इंपॉर्टेंट है देन उसके बाद एक्सरसाइज वन पॉइंट टू में आपका रूट फाइव थ्री प्लस टू रूट फाइव ये दोनों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बिकॉज थर्ड क्वेश्चन आपका सेम सिमिलर टाइप का है तो इसलिए आपने इस वाले पैटर्न को आपने जरूर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है देन नेक्स्ट चैप्टर आपका परिनोमियल फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बेसिक है तो उसको तो आपने करना ही करना है कि अगर आपको ग्राफिकली दे रखा होगा कि इसके जीरोज फाइंड आउट करें तो ये आपको सारे क्वेश्चन करने हैं देन उसके बाद एग्जाम्पल नंबर टू आपका इंपॉर्टेंट है देन एग्जाम्पल नंबर फोर आपका इंपॉर्टेंट है पेज नंबर ट्वेंटी वन देन उसके बाद एग्जाम्पल नंबर फाइव आपका रिलेटेड है बिकॉज ये आपका क्यों भी पॉइंट है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे तो इस करके ये एक्स्ट्रा डाला डालोगा स्टार मार्क है तो मतलब ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाएगा देन एक्सरसाइज टू पॉइंट टू के दोनों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका रूट वाले क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इस करके ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर करें चैप्टर नंबर थ्री पेयर ऑफ लीनरी क्वेश्चन टू वेरिएबल इसमें आपका एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फाइव आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका इंपॉर्टेंट है देन आगे अगर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर फाइव आपका इंपॉर्टेंट है देन उसके बाद एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर फोर एंड पार्ट नंबर फाइव वर्ड प्रॉब्लम सारी इंपॉर्टेंट है बट ये आपके ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लास्ट ईयर प्री बोर्ड और सम यूटी एग्जाम में पूछे गए थे तो इस करके आपको मार्क करवा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर टू भी आपका इंपॉर्टेंट है देन पार्ट नंबर सिक्स आपका इंपॉर्टेंट है देन उसके बाद एग्जाम्पल नंबर एट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर टेन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देन एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री की बात करें तो वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर फोर पार्ट नंबर फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वर्ड प्रॉब्लम को आप इग्नोर मत करें देन चैप्टर नंबर फोर क्वालिटिक इक्वेशन इसमें आपके एग्जाम्पल नंबर वन के दोनों वर्ड प्रॉब्लम आपकी इंपॉर्टेंट है देन एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन आपकी बेसिक एक्सरसाइज है बट इसमें आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट है पार्ट नंबर थर्ड एंड पार्ट नंबर फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट देन आगे मूव ऑन करेंगे तो एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू में क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रूट वाले क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट देन आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर नाइन आपका इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री में क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर फाइव अर्थ मेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बेसिक एक्सरसाइज है तो इसको आप जरूर करें जिससे आपको बेसिक आपको पता चल जाएगा देन इसके बाद आपकी सेकेंड एक्सरसाइज इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर फोर आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर सिक्स आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर सेवन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर एट आपका वेरी इम्पॉर्टेंट देन एग्जाम्पल नंबर टेन आपका इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू की बात करें तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर थ्री मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन नंबर फाइव आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर एट ट्वेल्व थर्टी से लेकर सिक्सटी तक सारे इंपॉर्टेंट है देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट और नाइनटीन एंड ट्वेंटी आपका इंपॉर्टेंट है देन आगे मूव ऑन करेंगे तो देन एग्जाम्पल नंबर थर्टीन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन इंपॉर्टेंट है देन एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट कर लोगे तो आपका फर्स्ट सेकंड पे आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसलिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को जरूर करें इसी से रिलेटेड आपके फोर्थ से लेकर नाइन है तो इसलिए अगर आप ये कर लोगे तो ये आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर टेन आपका इंपॉर्टेंट है इलेवन आपका इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ से लेकर फोर्टीन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और इस चैप्टर के ऑप्शनल एक्सरसाइज के फर्स्ट और टू क्वेश्चन आप जरूर करें बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे देन नेक्स्ट चैप्टर आपका ट्रेंगल इसमें आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज है तो इस करके इसके आपको सारे क्वेश्चन करने हैं देन आपका सेकंड एक्सरसाइज इसमें आपने सबसे पहले बीपीडी थ्योरम को प्रूफ करना है बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसका आपको प्रूफ आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीडी थ्योरम और इसका कन्वर्स बीपीडी थ्योरम भी आपको लर्न करनी है इसका रिजल्ट आपका ज्यादातर पूछा जाता है बट इसका अगर आपको प्रूफ कराया गया तो इसका प्रूफ आप जरूर लर्न करें बिकॉज इन दोनों थ्योरम में से क्वेश्चन आपका जरूर हर बार पूछा जाएगा देन इसके बाद एग्जाम्पल नंबर थ्री आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर फोर इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन इंपॉर्टेंट है देन क्रिटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल में आपकी जितनी थेरम्स है इसको आपका प्रूफ नहीं आएगा इसका आपको सिर्फ रिजल्ट आपको यूज़ करना है तो इस करके सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए कौन कौन से क्रिटेरिया से हम सिमिलर कर सकते हैं ट्रैंगल को एग्जाम्पल नंबर फोर आपका इंपॉर्टेंट है देन एग्जाम्पल नंबर सेवन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर एट आपका इंपॉर्टेंट है देन आगे मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री में तो क्वेश्चन नंबर टू आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फोर आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर एट आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर टेन आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर एलेवन थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन सिक्सटीन आपका इंपॉर्टेंट है और फोर्टी आप जरूर करें बिकॉज ट्वेल्ल आपका फोर्टीन सिमिलर है बट ये आपका बेसिक क्वेश्चन है और ये आपका एडवांस टाइप का क्वेश्चन है तो इस करके इस फोर्टीन क्वेश्चन को आप जरूर करें देन नेक्स्ट चैप्टर हमारा कॉर्डिनेट ज्योमेट्री इसका आपका एग्जाम्पल नंबर टू आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर फोर आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर फाइव आपका इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन और एट और नाइन और टेन आपका इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर करें देन आगे अगर आप मूव ऑन करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर सेवन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर एट आपका इंपॉर्टेंट है देन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री फाइव सेवन एट टेन आपका इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल नंबर टेन भी आपका इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर एट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पेज नंबर वन वन एट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर टू आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर फाइव आपका इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज एट पॉइंट वन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर फाइव टेन और इलेवन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है देन आगे मूव ऑन करेंगे तो आपको ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए तो अगर आपको इसको बनाना आता है तो इसको आप बनाना सीख लीजिए एग्जाम्पल नंबर सेवन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर एट आपका इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज एट पॉइंट टू की बात करें तो क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर फोर आपका इंपॉर्टेंट है देन ट्रिग्नोमेटिक आइडेंटिटी में आपको प्रूफ आ सकता है कॉस् स्क्वायर प्लस साइंस वन इसका आपको सिर्फ प्रूफ करना है और बाकी अगर दो आइडेंटिटी है उसका आपको सिर्फ रिजल्ट यूज़ करना है कोई एग्जाम्पल नंबर नाइन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर इलेवन और ट्वेल्व आपका इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर के सारे पार्ट्स आपका इंपॉर्टेंट है बट इसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता बताओ जो आपके पेपर में देख पूछे जाते हैं पार्ट नंबर थर्ड पार्ट नंबर फाइव सेवन और एट ये आपके ऐसे ही पार्ट्स हैं जो अक्सर पेपर में दिखते हैं तो इसलिए ये वाले पार्ट्स को तो आपने करना ही करना है चैप्टर नंबर नाइन सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री एग्जाम्पल नंबर थ्री आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर फोर आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर फाइव आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर सिक्स आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर सेवन आपका इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर एट इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन एंड फिफ्टीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर टेन सर्कल इसके आपको दो थेरम है तो फर्स्ट थेरम का तो आपको रिजल्ट आएगा तो इस करके फर्स्ट वाली थेरम का तो आपको रिजल्ट याद होना चाहिए एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इंपॉर्टेंट है थेड नंबर टू आपको लर्न करनी है तो इस करके ये पेपर में आ सकती है तो इस करके इसका प्रूफ आपको आना चाहिए देन उसके बाद फर्दर मूव ऑन करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर टू आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर थ्री आपका इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और थर्टीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना चैप्टर नंबर इलेवन एरिया रिलेटेड सर्कल ये आपका फॉर्मूला बेस्ड आपका चैप्टर है तो एग्जाम्पल नंबर टू आपका इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट वन में क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइव सेवन एट इंपॉर्टेंट है नाइन टेन और थर्टीन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इन क्वेश्चन को आप जरूर करें चैप्टर नंबर ट्वेल्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये चैप्टर भी आपका फॉर्मुला बेस्ड है तो एग्जाम्पल नंबर टू आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर थ्री आपका इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर टू फोर फाइव सिक्स आपका इंपॉर्टेंट है और सेवन और एट आपका इंपॉर्टेंट है आगे मूव ऑन करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर सिक्स आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर सेवन आपका इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फाइव एंड सेवन एट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इन क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करें चैप्टर नंबर थर्टीन स्टैट्स ये आपका इजी चैप्टर है फॉर्मुला बेस्ड आपका पूरा चैप्टर है बट इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम्पल तो आपने सारे करने हैं एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन में क्वेश्चन नंबर वन आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फोर आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका इंपॉर्टेंट है फर्दर मूव ऑन करोगे तो एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू विच इज बेस्ड ऑन मोड तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फाइव आपका इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है मीडियन पर तो इसके आपको क्वेश्चन आपके जो इंपॉर्टेंट है उससे पहले आपको पेज नंबर वन नाइन्टी सेवन या आपको एक रिलेशन गिवन होगा थ्री मीडियन बराबर है मोड प्लस टू मीन तो ये आपका इंपेरिकल रिलेशन है जो आपको पेपर में वन मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपको मोड और मीन गिवन है तो मीडियन कितना होगा तो इस रिलेशन को आपने लर्न जरूर करना है देन आगे मूव ऑन करेंगे तो थर्टीन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज विच इज़ बेस्ड ऑन मीडियन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फोर आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबिलिटी प्रोबिलिटी आपका इजी चैप्टर है पर इसमें भी कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जांपल नंबर टू एग्जांपल नंबर थ्री आपका इंपॉर्टेंट है एग्जांपल नंबर फोर आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर सिक्स एट आपका इंपॉर्टेंट है देन आगे मूव ऑन करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व और थर्टीन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज फोर्टीन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर इलेवन टवेल्व फोटीन फिफ्टीन सेवेंटीन एटीन आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर आपका इंपॉर्टेंट है और ट्वेंटी फाइव आपका इंपॉर्टेंट है